कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे 1 kg चॉकलेट केक, जो कि इसमें मैंने कैरामेल का यूज़ किया है क्रीम के अंदर। आप कैरामेल का यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट कलर का यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं है तो आप चॉकलेट ट्रफल का भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने गोल्डन ड्रिप बनाई थी, इसकी वीडियो मैंने एक बार बनाई थी, आपको बताया था कि गोल्डन ड्रिप कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गोल्डन पाउडर कलर लेना है, जो कि हम लोग फुसफुस वगैरह जो पाउडर स्प्रे कलर होता है उसमें, और उसमें थोड़ा सा आप न्यूट्रल ग्लेज ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड कर दोगे तो इस तरीके से ड्रिपिंग आपकी तैयार हो जाएगी। ये 1 kg का चॉकलेट केक था, इसका प्राइस जो था वो है था 600 रुपीज़। और ये केक हम लोग स्पेशल 1/2 kg का केक बनाएंगे, जिसका प्राइस होने वाला है 350 रुपीज़। और ये केक भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इजी है, और इसके ऊपर कुछ भी हम लोग नहीं करना है, सिर्फ आपको आइसिंग को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से गोल्डन बॉल को यूज़ करके कुछ डॉल लगाया, ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर दिए, साइड में गार्निशिंग जो कि बच्चों को खाने के लिए, कुछ बटरफ्लाइज एंड एक टॉपर लगा के केक को कर दिया सिंपल तरीके से, यूनिक एंड सिंपल डिज़ाइन। फिर दूसरा जो केक हम लोग बनाएंगे, तीसरा, वो था 1.5 kg, मैंने 1.5 kg का केक था, 600 रुपीज़ पर केजी, मतलब 900 रुपीज़ का ये केक था। इस केक पे हमको सिंपली कुछ भी नहीं डेकोरेट करना है, चॉकलेट गार्निशिंग और चॉकलेट जेली का यूज़ किया है, ऊपर से साइड कुछ फ्लावर्स का यूज़ किया, लीफ बनाए, और उसके बाद फिर गार्निशिंग से केक को अच्छे तरीके से भर दिया, साइड में चॉकलेट दाने से साइड की डिज़ाइन को कवर किया, कुछ स्प्रिंकल्स भी डाल दिए, जिससे केक की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी तरीके से बन गई। उसके बाद हम लोग 1 kg 600 चॉकलेट केक बनाएंगे, जिसके ऊपर मैंने चॉकलेट जेली का यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग यूज़ किए हैं पाइनएप्पल जेली को एक शेड देने के लिए, नाइफ से आप इस तरीके की कटिंग कर सकते हैं, बट क्रीम आपको जब भी कटिंग करना हो तो क्रीम आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्रीम ही कटती है, स्पंज नहीं कटता है इसमें, तो क्रीम आपको थोड़ी मोटी लेयर लगानी होगी जिससे कि क्रीम कट के आ जाए। याद रखना है कि अगर क्रीम काटना है तो वहाँ पे जेली का भी यूज़ करें, क्योंकि जेली ही रहेगा तभी वो कट पाएगा। तो ये हो गया केक रेडी, आई होप।